नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हेलो इंडिया में, जहां आप भारत को भारत की नजर से देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल हेलो इंडिया भारत के पर्यटन से जुड़ा हुआ है, और अपने इस चैनल के माध्यम से हम आप तक भारत के पर्यटन से जुड़ी रोचक जानकारियां पहुंचाते हैं। और आज अपने इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्थान की यात्रा पर लेकर जाने वाले हैं, जिसके विषय में जब हम आपको बताएंगे तो आपको लग सकता है कि ऐसा क्या खास है इस जगह के विषय में जो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह है जिसके विषय में शायद ही भारत में किसी को नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं ताजमहल की यात्रा पर। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में जो आपको नहीं पता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज अपने इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के विषय में ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जो आपने ना कहीं पढ़ी होंगी ना कहीं सुनी होंगी। क्या आपको पता है कि ताजमहल की नींव लकड़ियों पर बनी हुई है, और ये ऐसी लकड़ियां हैं जिनको मजबूती के लिए नमी की जरूरत होती है, और ये नमी उन्हें पास बहती यमुना नदी से मिलती है। या क्या आपको पता है कि जो ताजमहल के चारों तरफ चार मीनारें बनी हुई हैं, उससे जुड़ी कहानी क्या है? नहीं पता ना? कोई बात नहीं, हम आपको अपने इस वीडियो में इन सारे चीजों के विषय में जानकारी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो हमारे इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और एक छोटा सा काम और करना है आपको, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे साइड में राइट साइड में जो बेल का बटन दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना है, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल के विषय में ये जानकारी विश्व प्रसिद्ध है कि इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। भारत के इतिहास में मुगलों द्वारा निर्मित सारे इमारतों में ताजमहल सबसे खूबसूरत और नायाब इमारत है, जो मुगल वास्तुकला का सबसे उम्दा नमूना है। अपनी बेगम मुमताज के लिए शाहजहां की मोहब्बत किसी इबादत से कम नहीं थी। अपनी पत्नी के लिए ये शाहजहां की बेपनाह और पाक मोहब्बत ही थी कि जब मुमताज की मृत्यु हुई तो शाहजहां ने एक ऐसी इमारत का निर्माण करवाने का फैसला लिया जिसने शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को अमर कर दिया। जिस खूबसूरत ताजमहल का एक दीदार पाने के लिए देश विदेश से लोग आगरा आते हैं, वो दरअसल एक मकबरा है जो पूरे विश्व में प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यहां मुमताज और शाहजहां की कब्र है। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और इसे बनने में लगभग 20 से 22 साल का समय लगा था, और उस वक्त इसे बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे थे। शाहजहां को दो ही चीजों से बेहद प्यार था, एक उनकी बेगम मुमताज और दूसरा वास्तुकला। अपने एक अजीज चीज को हमेशा के लिए खोने के बाद शाहजहां पर अपनी मोहब्बत को कुछ इस कदर अमर करने का जुनून सवार हुआ कि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी ताजमहल के निर्माण पर खर्च कर दी। कहते हैं कि उस वक्त ताजमहल के निर्माण पर लगभग 32 मिलियन खर्च हुआ था। भीड़ के हुजूम में साथ चलते हुए जब मुख्य द्वार से ताजमहल की पहली झलक देखने को मिलती है तो हर शख्स को ऐसा लगता है मानो जैसे उसने कोई नायाब चीज ढूंढ ली हो। सामने एक खूबसूरत रहस्य की तरह खड़ा ताजमहल पूरी दुनिया को शान से शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत का पैगाम दे रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ताजमहल सिर्फ मोहब्बत का प्रतीक भर एक मकबरा नहीं है। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो आपने ना कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। ताजमहल की वास्तुकला बेहद अनूठी है
और इसकी पूरी वास्तुकला को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। यमुना नदी के किनारे बसा ये दुनिया का खूबसूरत अजूबा सफेद संगमरमर का बना हुआ है और इसकी यही खासियत इसे बाकी मुगल इमारतों से जुदा करती है, क्योंकि मुगल काल के ज्यादातर इमारतों को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया जाता था। ताजमहल की पूरी संरचना को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इस ऊंचे प्लेटफॉर्म को एक बेहद मजबूत नींव पर बनाया गया है, लेकिन इस मजबूत नींव की संरचना भी बेहद खास और अनोखी है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को लकड़ियों पर खड़ा किया गया है और ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूती के लिए नमी की जरूरत पड़ती है और उसे ये नमी पास बहती यमुना नदी से मिलती है। ताजमहल तुर्की, पर्शियन, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला के मिश्रण का एक नायाब नमूना है और इसके निर्माण में लगभग 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इसमें लगे संगमरमर को राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से लाया गया था। ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिण द्वार से है। यह प्रवेश द्वार 151 फीट लंबा और 117 फीट चौड़ा है तथा इसकी ऊंचाई 100 फीट है। यहाँ पर्यटक मुख्य प्रवेश द्वार के बगल में बने छोटे द्वारों से मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं। इसके ऊपर छोटे गुंबद के आकार का मंडप हिंदू शैली का है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। इस प्रवेश द्वार की एक मुख्य विशेषता ये है कि अक्षर लेखन यहाँ से समान आकार का प्रतीत होता है। इसे तराशने वालों ने इतनी कुशलता से तराशा है कि बड़े और लंबे अक्षर एक आकार का होने जैसा भ्रम उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, मुमताज शाहजहां की चौथी बेगम थी और उनकी मृत्यु अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय हुई थी। आप जो ताजमहल के चारों तरफ मीनारों को देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि इन्हें इस तरह से बनाया गया है ताकि किसी प्राकृतिक आपदा के समय इन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचे तो ये बीच में ना गिरकर बाहर की तरफ गिरे, जिससे मुख्य संरचना सुरक्षित रहे। ताजमहल को बनने में लगभग 20 से 22 सालों का समय लगा था, जबकि इसके आसपास की इमारतों और बगीचे का निर्माण कार्य अगले 5 सालों में पूरा हुआ था। ताजमहल का बगीचा हुमायूं के मकबरे में बने चार बाग शैली के तर्ज पर बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें लगे सारे फव्वारे एक साथ काम करते हैं और ये फव्वारे एक साथ जुड़े नहीं हैं, बल्कि इन सारे फव्वारों के नीचे एक टैंक लगा हुआ है। ये सारे टैंक एक समय में पानी से भरते हैं और दबाव बनने की वजह से इन सारे फव्वारों में एक साथ एक ही समय पर पानी निकलता है। ताजमहल की दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी के विषय में भला कौन नहीं जानता। इनकी तारीफ में जितना कहा जाए उतना कम है। यूं लगता है जैसे कलाकारों ने मुमताज के लिए शाहजहां की मोहब्बत को अपने जहन में उतार कर ताजमहल की दीवारों को सजाया हो। अमानत खान शिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की दीवारों पर खूबसूरत पत्थरों और नक्काशी, बेशकीमती पन्ना और हीरा भी जड़ा हुआ था, जिन्हें अंग्रेज निकाल कर ले गए। ताजमहल में लगे संगमरमर को राजस्थान में स्थित नागौर जिले के मकराना की खानों से लाया गया था। इस मकबरे के अंदरूनी हिस्से में एक विशाल केंद्रीय कक्ष, इसके तत्काल नीचे एक तहखाना है और इसके नीचे शाही परिवारों के सदस्यों की कब्रों के लिए मूलतः 8 कोनों वाले 4 कक्ष हैं। इस कक्ष के मध्य में शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं। शाहजहां की कब्र बाईं ओर और अपनी प्रिय रानी की कब्र से कुछ ऊंचाई पर है, जो गुंबद के ठीक नीचे स्थित है। मुमताज महल की कब्र संगमरमर की जाली के बीच में स्थित है, जिस पर पर्शियन में कुरान की आयतें लिखी हैं।
कब्रों के चारों ओर संगमरमर की जालियां बनी हुई हैं। ताज की बाईं ओर लाल सैंडस्टोन से बनी हुई एक मस्जिद है। ये इस्लाम धर्म की एक आम बात है कि मकबरे के पास एक मस्जिद का निर्माण किया जाता है। इस मस्जिद को अब भी शुक्राने की नमाज के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ एक ताज संग्रहालय भी है जहाँ आपको ताज महल की वास्तुकला और निर्माण के इतिहास से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएं। और अंत में कुछ बेहद खास और रोचक जानकारी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल अपना रंग बदलता है? जी हाँ, सही सुना आपने। जब आप सुबह में ताजमहल को देखेंगे तो उस वक्त इसका रंग गुलाबी होता है, रात को दूधिया सफेद और चांदनी रात को सुनहरा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज और चांद की रोशनी जब सफेद संगमरमर पर पड़ती है तो अलग अलग समय में ताजमहल का रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है। बचपन से हम सब सुनते आए हैं कि ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो फिर कभी ऐसी खूबसूरत इमारत का निर्माण ना कर पाए। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो ये एक अफवाह सी लगती है, क्योंकि अहमद लाहौरी जो ताजमहल के निर्माण दल में था, उसने लाल किला के निर्माण में भी सहयोग किया था। लेकिन इस हाथ काटने वाली बात के साथ ही इस तथ्य को जोड़कर देखा जाता है कि ये ऐलान सुनकर मजदूर शाहजहां से नाराज हो गए थे और उन्होंने जानबूझकर ताजमहल में एक छेद छोड़ दिया था और इस छेद से लगातार पानी की बूंदें मुमताज की कब्र पर गिरती रहती हैं। और आज तक ये रहस्य का विषय है कि ये पानी की बूंदों का स्रोत क्या है। कहते हैं कि ताजमहल के पास ही शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल का निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा हो पाता इससे पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। इसके साथ ही ताजमहल के निर्माण के वक्त कहते हैं कि भूत और जिन इसकी नींव को ध्वस्त कर देते थे। वे ताज की बुनियाद रखने ही नहीं देते थे और कारीगरों को डरा कर भगा देते थे। इसका तोड़ निकालने के लिए शाहजहां ने अरब के पीर हजरत अहमद बुखारी और उनके तीन भाइयों को बुलाया था। उनके प्रयास के बाद ताजमहल का निर्माण होता चला गया। इन चारों पीर भाइयों के मजार ताजमहल के चारों तरफ बने हुए हैं और माना जाता है कि जब तक ये मजार यहाँ है, ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।